बाबूजी, माँ कहाँ है बाबूजी? अरे भाई सिमरन, बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात, कुछ मिल गया क्या? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये बताइए माँ कहाँ है? माँ तुम्हारी अंदर है। ला 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 हे हे। अरे क्या हो गया बेटी, बड़ी खुश लग रही है, कोई अनदेखा अनजाना मिल गया क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ हमारे कॉलेज से टूर जा रही है यूरोप, बाबूजी से कह के मुझे भेज दो, 3,000 रुपए ले रहे हैं बस। 3,000 रुपए? तू बावली हो गई, तेरा दिमाग चल लिया क्या? तेरे बाबा ने एक साथ कभी 3,000 रुपए देखे हैं? वो को फाड़ रही है, 3,000 रुपए तो लग रहा है बस। बाबूजी इतना पैसा कमा रहे हैं, कार रख के ले जाओगे, अपनी छाती पर रख के ले जाओगी? भैया लोंडियों कोई ना समझता, मैंने देख लिया आज, अगर तुम्हारा लोंडा होता तो उसे बिजनेस करा देती 6-7 लाख रुपए का। मेरी तो मर्जी है, अपने बाबूजी से पूछ ले, उस आदमी का आज तक दिमाग हाथ नहीं आया हमारे सिवाय फलान से। तो बताइए बाबूजी से मुझे कितना डर लगे, जाके तुम बात करो, जाओ मैं खाना बना रही हूँ। चल ठीक है। बलदेव अजी सुनिए तो। अबे सुन तो ले जंगली। अरे भाई क्या हुआ लज्जो, कैसे चिल्ला रही हो? चूतिया आदमी, तुझे दोबारा आवाज मार ली मैंने, चौथी फेल, मुझे पता ही नहीं है तू इसमें फोटो फोटो देख रही है। मैं ये कह रही हूँ सिमरन के कॉलेज से टूर जा रही है यूरोप। तो मैं क्या करूँ? जाने को कह रही है वो, तो चली जाएगी फिर। लाओ तो 3,000 रुपए लाओ फटाफट। साली फाड़ कर डाल दूंगा तुझे, लोंडिया को घर से बाहर निकलना सिखा रही है। 3,000 रुपए, इतनी बड़ी रकम, मैं तो ये सोच रहा है जा रही हूँ धोरे नेड़े यूरोप, तेरी माँ का फाड़ू फरोक। अपनी प्यारी सी बच्ची का दिल तोड़ेंगे क्या आप? कहाँ है सिमरन, बुलाओ उसे। सिमरन आदि बेटे। जी माँ। कहाँ जा रहा है बेटा टूर? यूरोप जा रहा है बाबूजी। बाबूजी प्लीज भेज दो ना बाबूजी, फिर मैं इंडिया जाके कोई चीज से शादी कर लूंगी, क्या पता शादी के बाद हो मुझे कहीं घुमावे या नहीं घुमावे, उसमें तो वैसे भी टाइम नहीं रहता, सारे दिन ढोर डंगरों का करे। कौन कौन जा रहा है टूर पर? वो तो नहीं आ रहा मुस्तकीम का लोंडा भोसड़े बिगड़ल। नहीं बाबूजी वो नहीं जा रहा, एक तो महबूब की लोंडी आ रही बड़ी वाली रिजवाना खज्जो, और एक जरिया तीखी वो दैन का। शिया वो साली एक नंबर की बिगड़ी हुई, तमाम लोंडों को लेन देती है वो, उससे अलग हट कर रही है, जरा अपने काम से काम रखिए। बाबूजी हमें दूसरों से क्या लेने देना, आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है क्या? ना विश्वास तो खैर पूरा है। ठीक है बाबूजी। और सुनी बाबूजी वो तीखी बहू का नंबर लिए है जरा। क्या करेगा भाड़ो नंबर का, साइड में बैठी हूँ दिखना रही तुझे, डन्नी रही है बिल्कुल भी। अरे उसका पैसे हैं, पैसे अपने वो निकालने हैं। मुझे बता तो क्या निकालेगा और कैसे निकालेगा, किसी का नंबर लेने की जरूरत नहीं है बेटी, तू जा आराम से। भाड़ो लोंडिया जवान है, ठरक पर नहीं जा रही है बिल्कुल, कबर बिज्जू। और तो बस छूटी गई थी मुझसे, बड़ी तेज भागी जब जाकर हाथ आई। तू करे सिमरन तुझे बस मिल गई। पीटीआई सर ये कौन है हराम हुआ? ये ड्राइवर का लौंडा कंडक्टर, इसे आवास में ले आकर भड़ास निकाल लूंगी मैं, बहुत देर से घूर यार, मुझे समझा लो इसे। अबे बताऊं तुझे कंडक्टर के फलान भगवा। मैं क्या ये तू? हाँ क्यों छेड़ लिया लोंडिया को? पीटीआई सर मैं नहीं छेड़ रहा, ये झूठ बोल रही है, मक्कार है ये। झूठ बोल रहा भाड़ू सर, पहले तो ऐसे इशारे कर रहा और फिर यूं कर रहा। साले निमान में बैठ जा। ओके सर। बड़ी बड़ी बस में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। छोटी बात बता रहा पिद्दी, इन छोटी बातों के चक्कर में जेल हो जा, पता ना बलदेव की लोंडिया हूँ, मुकदमा डलवा दूंगी। गाड़ी यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट रुकेगी, अगर किसी को कुछ खाना पीना हो या मुट्ठी सुट्टी माननी हो तो मार सकता है, अगर किसी ने बीच में गाड़ी रुकवाई उतार कर मारूंगा, ईमान से बता रही हूँ। चल तू यहाँ क्या कर रहा है? आ लाइन मानने चलते हैं। अबे मैं प्रोवो पे अपना ओपिनियन देकर रिवॉर्ड जीत रहा हूँ। प्रोबो ये क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तू ज्ञान बांट सकता है और तो और प्रॉफिट भी बना सकता है सिर्फ अपना ओपिनियन देकर।
मान लो आपका इंटरेस्ट जो भी हो, क्रिकेट है, फाइनेंस है, यूट्यूब है, यहाँ तक कि मौसम है, सिंपली आपको अपना आंसर यस और नो में देना है, सही होने पर कंफर्म पैसा कमाओ। ट्रस्टेड ऐप है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, प्रोवो को 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, रोज अपने ओपिनियन का सही इस्तेमाल करके बड़े बड़े रिवॉर्ड जीत रहे हैं। ये तो सही ऐप है, मगर इसको यूज कैसा करना? भाई इसको यूज करना बहुत ही आसान है, रुक मैं तुझे कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, उन पे अपना ओपिनियन कैसे सबमिट करना है देख। इंडिया टू द विन फर्स्ट ओडी मैच वर्सेस न्यूजीलैंड। मुझे लगता है इंडिया टीम स्ट्रॉन्ग है, इस पे यस कर दे। और अगर तुम अपने ओपिनियन पर श्योर हो तो इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। भाई जीतने के बाद रिवॉर्ड विड्रॉल कैसा होगा? फंड ऐड करना और विड्रॉल करना बहुत ही आसान है, गूगल पे, पेटीएम या कार्ड, किसी भी माध्यम से आप जीते हुए रिवॉर्ड को विड्रॉल कर सकते हो। भाई तूने तो यार सही ऐप के बारे में बता दिया, अब मेरा ओपिनियन कभी खराब न जाने का। आप भी जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोवो डाउनलोड करो, और हाँ मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे मिलेगा आपको अप टू 25 रुपीज। डाउनलोड करो प्रोवो। अब हाँ चल लाइन मारने चलना है। देखिए मुझे देखी जा रही है। देख तो रही है, लगता है इसे भी मुझसे प्यार हो गया है। आ गई। आ रही है। ब्रेड पकौड़ा वाला निकल गया भैया, रुकियो। माये भालू आ गया। ए तू पागल है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रही है, फोटोग्राफी कर रहे हैं हम। खामोखामी इसमें को आ गया। आर्या बहन वहां खिंचवाएंगे। अबे राज ये तो तुझे बिल्कुल भाव ना दे रही और ऐंट अलग से रही है। ये ऐसे नहीं मानेंगी मुस्तकीम, लगता है अपना तंबू प्लान निकालना ही पड़ेगा। जा लेकर आ। एक सेकंड। अरे पलट जा। क्या है तू ऐसे भाग नहीं आने का? पीटीआई सर जो परेशान करने पर लगा पढ़ाई कंडक्टर। साले 2 दिन से लेके देख रही हूँ, लौंडिया छेड़ दिया मान ले यार, और तू इसके साथ लौंडियाबाजी कर गया। ना नहीं सर, मैं तो निकल यहाँ से। अरे भाई लज्जो, आज अपना होने वाला दामाद आ रहा है, हमारे दोस्त का बेटा कुलजीत। वो भालू का बच्चा? जाओ उसके लिए लोड़े पकोड़े, पकोड़े सकोड़े बनाओ। ठीक है मैं बनाती हूँ। बाबूजी मैं आ गया। बाबूजी गुड मॉर्निंग। बाबूजी अरे बेटा 2 बज रहे हैं दोपहर के। गुड आफ्टरनून बाबूजी। सिमरन कहीं दिखाई नहीं दे रही बाबूजी, मैं उसके लिए लाल भालू का बच्चा लेकर आया हूँ बाबूजी। किधर है सिमरन बाबूजी? सिमरन बाहर गई है, आती ही होगी, इतने बैठो तुम। बाबूजी मैं यहाँ सिर्फ सिमरन के लिए आया हूँ बाबूजी, और वो ही यहाँ पर नहीं है। क्या आपने उसको बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ बाबूजी? कुलजीत आ रहा है बाबूजी। अरे सबर तो करो, बैठो यहाँ पर आकर। ये 2.5 किलो का हाथ है बाबूजी, इस 2.5 किलो के हाथ से मैं कब तक काम चलाऊंगा बाबूजी, कब तक? जल्दी बुलाओ बाबूजी सिमरन को। अबे यार सबर तो पकड़ ले, तुम तो आपस से कूट दी घर में आते ही, और गांव में सब बढ़िया है? हाँ बाबूजी गांव में सब बिल्कुल मस्त है बाबूजी, लेकिन बाबूजी सिमरन कहाँ है? अबे भोसड़ी वाली के, तुझसे जब कह दिया आती होगी, बैठ जा, क्यों सबर नहीं पकड़ लिया तू? और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है तेरी? पढ़ाई लिखाई बिल्कुल औसम चल रही है बाबूजी, लेकिन सिमरन कहाँ है बाबूजी? तेरी माँ का भोसड़ा मानेगा नहीं। चुप और बैठ रहा हूँ, बैठ। लज्जो कैसे पूरा घर सर पे उठा रखा है? हमने तुमसे कहा था ना कि सिमरन शाम तक घर आनी चाहिए, और आज 3रा दिन है। हाँ मैंने उसको फोन किया, आने वाली है। अगर नहीं ना तो तेरा टेंटवा दबा दूंगा। हाँ तेरे मंडल की वजह से बस छूट गई। मेरे मंडल की वजह से या तेरे इस मेकअप की वजह से? ऐठ यहाँ मुझ पर, ऐठेगा ना तो घर बैठेगा, बता रही हूँ। सेनोरिटा तुम टेंशन मत लो, बड़े बड़े देशों में अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं अभी गया और बाइक हायर करके लाया। जल्दी आइए। अरे क्या हो गया?
होता ही क्या, इसमें तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया? गया तो बड़ी नक्शेबाजी में था कि मैं बाइक लेकर आ रही हूँ, तुझसे तेल ना डलवाया गया? डल जाएगा, इसमें तो क्या दिक्कत आ रही है। तो डलवाना, तुझ पे पैसे भी ना। ये ले 200 रुपए पड़े मेरे जुड़े हुए, जाके तेल लिया। तेल लिया, धक्का मार गाड़ी में। चल पचास के एक छल्ला आइए खेलिए और इनाम जीतिए। चल चलता कैसे ना आए, इनके चक्कर में पल तेल डलवा, निकल यहाँ से। चल सेनोरिटा, एक छल्ला 50 रुपए का है, हम लंगे 4। सोचो अगर एक छल्ला भी इन नोटों की गड्डी में चला गया तो हम कितना एंजॉय करेंगे। हमें ना करना एंजॉय, तू चल यहाँ से। सेनोरिटा मान जाओ प्लीज, मैं तुम्हें लहंगा दिलवाऊंगा। लहंगा? चल तो फिर जा। आइए आइए 50 का 1 छल्ला 50 का 1 छल्ला आके गेम खेलिए और इनाम जीतिए। हे भैया, 1 छल्ला कितने का है? 50 रुपए का। 4 छल्ले दीजिए। कर दे 50 रुपए ले ले, तेल डलवा लेंगे। अब ये वापसी नहीं होगा, ये गया पैसों की गड्डी में। भाई साहब पैसे। क्या हुआ, ले आया लहंगा? लहंगा तो ना मिला, ये बहन का लोड़ा ठेंगा मिला, ले अपनी गांड में घुस ले। भाड़ू तूने मेरे 200 रुपए आग में लगा दिए। चल यहां से, चल चलता कैसे ना। चल लाजवंती, कहाँ रह गई ये सिमरन, आई नहीं अभी तक? आ जाएगी, आप खाना खा लो, पहले खा लो, ठंडा हो रही है। आई बहनचोद, तुझसे मैंने मना करा था कि जवान लोनियों को घर से मत भेज मत भेज, अब हिलक गई होगी किसी से। मुझे पता है लड़कियों को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता, अंदर जिनावर जो बैठा उसको क्या जवाब दूंगा मैं। ऐसा है, मुझ पे को तो बैठो मत, सही है ना, भूख लगेगी तो खुद ढूंढोगे खाना, खाली वहां पर रखा हुआ है। सिमरन कहाँ है बाबूजी? आ रही है आ रही है। तुम इतने खाना खाओ, तुम्हारे लिए पनीर बनवाया है। खाना तो मैं खा लूंगा बाबूजी, लेकिन तारीख पे तारीख मिलती आई है। कभी 11 तारीख, कभी 12 तारीख, और आज 13 तारीख हो गई, सिमरन नहीं मिली। मिली है तो सिर्फ तारीख, और बाबूजी 14 तारीख हो गई। चोर धुआ, तुम शायद ये बोल चुके हो बाबूजी, 120 बीघे जमीन ऑन रोड और 5 सेक्टर खोद के हैं। जभी तो तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या खाओ बाबूजी? कुछ नहीं, खाना खाओ जाकर। खाना तो मैं खा लूंगा, पर सिमरन कहाँ है बाबूजी? तेरे बहन का मोफड़ी के। अबे इतनी टेंशन मुझे ना जितनी तुझे है। अबे टेंशन मुझे बराबर है, जब तुझसे कह दिया आ जाएगी तो क्यों खाना मार जा रही है मेरी? साले जुबान को चला दिए साहब। पर बाबूजी सुसु लग रही है मुझे। चल निकल और पानी डाल दिए साले। मेरी बच्ची आ गई, कहाँ चली गई थी मेरी बेटी, तू कहाँ गई थी? माँ बस छूट गई थी। बस छूट गई थी तो फोन करके बता नहीं सकती थी? तेरे बाबूजी ने गाली बक बक के मेरे कान बेरे कर दिए, और वो आया हुआ भालू का बच्चा कुलजीत। हाँ उसे ने पता चलनी चाहिए। पता नहीं चलनी चाहिए, सारी बातों को पता, जब से आया हुआ यही कह जा रही है सिमरन कहाँ है सिमरन कहाँ है। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा है उसे। तू ऐसा कर, चुपचाप जाके अपने बिस्तर में पड़ जा, तेरे बाबूजी सो रहे हैं। सिमरन, ओए बलदेव, लौंडिया को हाथ मत लगा दिए, फाड़ के डाल दूंगी। अगर इसे आज नहीं मारा ना तो फिर इसके पर खुल देंगे, ये पापा की परी बन जाएगी, फिर उड़ी फिरेगी। जाता लाजवंती, तुम अंदर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। मारे तो मुझे फोन कर दिए। कहां गई थी तू? कहां गई थी तू? ओए बाबूजी, पागल हो गए आप? फाड़ के डाल दूंगा अगर मेरी होने वाली धर्मपत्नी पर आग उठाया तो। मैं जरा देर सोचा लिए मैं क्या गया, आपने यहाँ पर मातम बना दिया। बाबूजी मैं बता रहा हूँ, कुछ नुकसान कर दूंगा, मैं इसको उखाड़ दूंगा बाबूजी, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा बाबूजी तुम्हारी माँ का। ए! बहुत एहसान है हम पर बाबूजी, आप जवान लड़की पर हाथ उठाते अच्छी नहीं लगोगे।
बाबूजी। बलदेव नाम है मेरा। बलदेव ने जो एक बार फैसला ले लिया फिर उसे कोई नहीं टाल सकता। बलदेव की जुबान पत्थर की लकीर है। जब तक पीटूंगा नहीं तब तक सोऊंगा नहीं। किसे पीटूं किसे पीटूं? बाबूजी इसे मारो। हाँ तू अंदर जाके लेट, सालों को इसे काटता हूँ। अरे बाबूजी बाबूजी सो जल्दी, मैं कहाँ मारोगे मेरी? मर गया। ये कुलजीत क्या करने आया फुले वाली का? बेटी ये तेरा पति है, उससे मिलने आया है। माँ मैं जिस देखने जाने की बात कर रही थी ना वो मुझे मिल गया है। माँ राज बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसी से शादी करूंगी। मैं इस भालू के बच्चे से शादी नहीं करनी है। क्यों माँ? मेरी बच्ची तेरे बाप की जवान पत्थर की लकीर है, तेरी शादी इसी से होवेगी। माँ राज बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे उससे मिलवा दो माँ प्लीज। ओसड़ी इन कामों को गई थी वहाँ पे रंडी पैसे करने को, तो तुझे भेज दिया था मैंने टूरों पे। मेरी नाके कटवाने गई थी लोंडे बाजी, तुझसे मना ना करा था तेरे अब्बू ने कि इन कामों को नहीं करना, जब भी तूने वही काम करे। माँ मैंने क्या गलत किया है? मैंने प्यारी तो किया है बस। हमारे यहाँ नहीं होते प्यार व्यार। लाजवंती सामान पैक करो, हमें अभी इंडिया निकलना है। क्यों क्या हो गया? मैंने सबके टिकट बुक कर दिए हैं, अब सिमरन और कुलजीत की शादी वहीं चल के होगी। ले झेल ले। होसली के तुझमें दिमाग ना आ क्या? सारे खेत कैसी तैसी मार दी। पता किसका खेत है ये? कुलजीत का। अगर आ गया ना तो गाड़ में घी डाल के ना छोका लगा देगा। पता क्या काम है? हे सिमरन मैं सोता हूँ तो तुम देखती हो, जागता हूँ तो तुम देखती हो, खाता पीता जो भी कुछ करता हूँ सिमरन सिर्फ तुम देखती हो। आई लव यू राज, आई लव यू राज। मेरे बाबूजी ने मेरा रिश्ता कुलजीत से तय कर दिया है और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे ले चलो राज, मुझे ले चलो। अरे तुझे कहाँ को ले जाऊँ मैं खुद किराए पर रह रही हूँ। हाँ किराए पर रह भी, मैं तो सोच रही जमीन जायदाद वाला दिखे, मेरे बाबूजी ने मानने के नकराने के तुझसे शादी पा दी। चल निकल यहाँ से। सिमरन अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। सिमरन मैं बाबूजी को मना लूंगा। मेरे बाबू ना मानने का बहुत हरामी है, 76 लगवा देगा। चल जा अपने घर को। सिमरन मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हारी लेने के लिए। अगर अपनी जान प्यारी है ना तो ये अपना बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। हाँ काजल मैं तो अपने पिंड में ही हूँ, बाबूजी बात माने नहीं माने। क्यों नहीं मानने हैं? फाड़ दूंगा। आखिर हमारे प्यार को समझ क्यों नहीं रहे? ऐड है मत काजल। ठीक है चल मेरी सिमरन से बात हो गई है, मैं उससे शादी कर लूंगा। प्यार मोहब्बत में ऐसे नहीं होता है काजल, पहले दिल लगा लिया फिर तोड़ दिया, क्या तरीका है? फिलहाल मैं अभी कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, तुझसे तो मैं बाद में करूंगा चुड़ैल की बच्ची। ओए क्या हाल है मेरे? बढ़िया है। ओए तू पागल है, कितना कड़वी लग रही है ये, कैसा सामान रखता है तू? अबे कंपनी का है ये, कड़वी बता रहा। भाई ये भी कितना बेकार है, बच्चों के पेट खराब करेगा क्या? तो भाई ये क्या हो गया, कंपनी का सामान है ये कड़वा लग रहा है? ऐसा कर एक साबुन की टिक्की ला घड़ी की 10 बाली। ला पैसे। दे रहा हूँ सबर पकड़। भाई भाई जी मेरा जो है ना पर्स खो गया है। अच्छा तुम्हें तो मैं जानू, चूतिया काट रहा मेरा है? अरे नहीं, अरे मैं सच कह रहा हूँ। क्या हुआ, क्यों मार रहे हो बेचारे को, गरीब को, कपड़े भी नहीं है इस पे, क्या हुआ? एक तो मेरा सामान खा रिया है, ऊपर से कड़वा बता रिया और पैसे भी नहीं दे रिया। मैं देता हूँ। कितने हुए? 20 रुपए हो गए। ओए वीरे ये तो मेरा पर्स है। लो जी लो कर लो बात, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मारियो भाई साहब इसे दोबारा। सॉरी ब्रो इसमें कहीं था ना मेरा पर्स। ओए वीरे तुझे मैंने पहले तो यहाँ कहीं देखा नहीं, लगता है तू नया है, कहाँ से आया है? मैं लंदन से हूँ यार भाई साहब, मैं रीजा फैक्ट्री के सामने अपनी बाइक सर्विस की दुकान खोलना चाह रहा हूँ। तमाम क्लच प्लेटें बदलूंगा,
जितनी भी तुम्हारी बाइका हो ना मेरे पास को लाया करियो, ठीक है? ओए तू टेंशन ना ले बीरे, सारी बाइके तेरे पास ही सर्विस कराऊंगा। एक बात बता, तू फिलहाल में कहाँ रुका हुआ है? मैं कमरा ही देखने जा रहा था यार, तुम मिल गए इतने। ओए कमरा देखने की जरूरत नहीं है, फाड़ दूंगा चीर दूंगा। 120 बीघे जमीन ऑन रोड, 5 ट्रैक्टर खुद के और 3 बीघे में हवेली बनी हुई है। तू वहीं पे रहेगा मेरे साथ भी रे। बाबूजी ये मेरा दोस्त है राज और ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगा बाबूजी। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? तुम हमें पालने भारी पड़ रहे हो, इसे और ले आए दहेज को। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। कोई बात नहीं, मैं कहीं और रह लूंगा जाकर। ओए वीरे तू ठंड रख, ये बुड्ढा थोड़ी बहुत देर नाटक ही करता है। बाबूजी आप पागल हो गए हैं क्या? ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, मेरा दोस्त है और ये बहुत शरीफ खानदान से है। बाबूजी हमारे घर में शादी का माहौल चल रहा है बाबूजी, इससे साले से प्लेट धुलवाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसको इसका रूम दिखाओ। हेलो, जब मैंने तुझसे मना करी तू क्या करने आया है मैं? अरे तेरे चक्कर में तो आया हूँ मैं, तुझे पता कुलजीत का दिल जीतने में मुझे कितना टाइम लगा? अगर बाबूजी को पता लग गया ना कि तेरा मेरा टाका जुड़ा हुआ तो तेरी गौड़ में टाका लगा देंगे, सुबह को निकल जाएगी यहाँ से। हे सिमरन तुम टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे माँ बाप का दिल जीत लूंगा। ये बताओ तुम सो किंगे को रही हो? ऐसा है कमरे में को आने की मत सोच लिए, माँ और बाबूजी जाग रहे हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ बाप मेरे साथ ही ताप रहे थे, मैंने उन्हें सोने के लिए भेज दिया। चल तो फिर आ रही हूँ। आ जाओ सिमरन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमरन सिमरन ओए सिमरन यार, रात को 1 बजे क्या कर रही है तू? और ये कौन बैठा है तेरे सामने गैर मर्द? अभी रुको, माँ बाबूजी कहाँ मर गए सबके सब? हाँ माँ और बाबूजी को बुला लिया, आज तो पक्का मर गए। अरे भाई क्या हुआ, कैसे माँ बैंड कर रहे हो? तुमने हमारे सपने की ऐसी तैसी कर दी, हम यहाँ सनी लियोनी के ले रहे थे। बाबूजी को पता चल गया, आज सबके सामने आ जाते हैं। सिमरन बाबूजी आ नहीं अभी तक बाबूजी। तेरी बहन का उठ। बाबूजी इतनी रात को मुझे गार्डन में क्यों बुलाया? बाबूजी 2.5 किलो के हाथ की अचानक जरूरत पड़ गई क्या? बाबूजी कोई चोर आया है क्या? फाड़ दूंगा। अबे साले तेरी नींद में चलने की बीमारी कब जागी है? चल सो। सॉरी बाबूजी, बहन की यहाँ कब तक सोऊंगा मैं अभी दिन में? बच गए, जल्दी से आगे अपने बिस्तर पे पहुंच जा और आज से मिलने मिलाने की मैं सोच रही हूँ, ठीक है? हाँ पापा मैं पहुंच गया हूँ लड़के के घर। मैं ये कह रहा हूँ पैसों का इंतजाम करके रखियो, ऐसी वैसी कोई बात आई तो मैं लड़की को लेकर भाग सकता हूँ। ये बहुत कंतरी आदमी है, मुँह से ही नज़र आ रहा है मुझे, थाने में पैसे लग सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ तुम मोटी गड्डी का इंतजाम करके रखियो। हाँ ठीक। बेटे बलदेव। भाऊजी बलदेव मरने को तैयार हो और आपसे मेरा नाम भी लेना नहीं आया। बेटे बलदेव मेरी सासों का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी पोती की शादी मेरे जीते जी हो जाए। जी बाबूजी। मेरी पोती की शादी अगले सोमवार ना होके इसी सोमवार हो जाए। जैसी आपकी मर्जी बाबूजी। लज्जो सबसे जाकर कह दो कि सिमरन की शादी अगले सोमवार नहीं इसी सोमवार होगी। लज्जो You're looking so beautiful. Thank you, बाबूजी। थोड़ा ऊपर दबा। लज्जो, चलो। रुको, लज्जो, तुम आज रात यही रुक जा। अरे यार बाबूजी बावले हो कैसे तुम? मैं तुम्हारी बहू है यार, कैसी गुंडी पुंडी बातें कर रहे हो इससे यार? अबे टांगे उठानी नहीं है, टांगे दबवानी है, हड़कल हो रही है मुझे। कवर बिज्जू हर वक्त शकी करता रहे नटेले का, यहाँ से शकियों में ही पैदा हुआ आ गया बिल्कुल ही, इनके खड़े हो रहे हैं इस उम्र में। राज कल सुबह मेरी शादी कुलजीत के साथ हो रही है और तुम्हें पता है मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती, मुझे ले चलो राज, मुझे ले चलो। सिमरन हम इज्जतदार घर से हैं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें डोली में लेकर जाऊंगा। डोली में नहीं जाने क्यों? मैं कार में जाऊंगी, ओडी में। अरे सुसरी तेरा ज्यादा दिमाग खराब ना हो रहा? दिमाग तेरा खराब हो रहा? अगर इज्जत के चक्कर में रहेगा ना तो बाबूजी तेरी इज्जत लूट लेगा,
मैं तो कहती हूँ भाग चलते हैं, सुबह को 4 बजे ट्रेन जा रही काशीपुर, हल्द्वानी होके नैनीताल चलेंगे, रूम वहाँ मध्य मिल जाते हैं। सिमरन। अरे बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पर? कुछ नहीं बाबूजी, ट्रेन लाई थी। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहिए बाबूजी। तुम्हारे दादा की वजह से तुम्हारी शादी जल्दी करनी पड़ रही है, क्या तुम इस शादी से खुश हो? जी बाबूजी खुश हूँ। अगर ना भी होती तब भी वही करता, ठंड बहुत पड़ रही है, बीमार हो जाओगे, चलो रूम में जाओ। ठीक है बाबूजी। ये देख तेरे लाड प्यार का नतीजा, लाज बनती फाड़ दूंगा साली, पूरे घर में आग दे दूंगा, तूने लौंडिया को बिगाड़ दिया। मुझ पे को काहे को बैठे जा रहे हो, लौंडिया को बिगाड़ दिया, लौंडिया को बिगाड़ दिया, मैंने भेजी थी क्या टूरों पे को? तुम्हारे खानदान ही ऐसे है तो मैं क्या करूँ इसमें? तुझे तो बाद में आके काटूंगा, पहले उधर रात को काटता हूँ। हाँ देख लूंगी कितना काटोगे, एक सुबह से मुझ पे को बैठे जा रही है, मुझ पे को बैठे जा रही है, भाड़ू लौंडिया को कुछ नहीं कह रिया। राज मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी है, चलो उन्हें बुला। जी बाबू जी। मेरा बेटा आपकी लड़की से बहुत प्यार करता है, उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। डाट, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे खानदान में दे दूंगा? क्यों नहीं कर सकते, जब लड़का लड़की को पसंद कर रहा है और लड़की लड़के को पसंद कर रही है, तुम्हें क्यों चिड़ा लग रहा है? लज्जो, हमारे खानदान में औरतें बीच में नहीं बोलती, मुझे पता नहीं है कितने नीच खानदान से है। और राज अपने बाप को लेके यहाँ से 2 मिनट में निकल जा, अगर कुलजीत को पता लग गया ना तो नल उखाड़ कर दोनों बाप बेटों पर फेरेगा, मेरा नुकसान कर देगा। ए पेंटर। जी बाबूजी। या तो इसे पोत दे या मेरी। अबे तुझे 1 महीना हो गया काम दिए, कब फाइनल करेगा? आज मेरी लड़की की बारात आने वाली है, इसे जल्दी फाइनल कर और निकल यहां से। ओए बाबूजी कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? और राज कहां है बाबूजी? बहुत अच्छा किया है उसने। क्या कर दिया बाबूजी? जिस थाली में उसने खाया उसी में छेद कर दिया। बाबूजी मैंने तो उससे प्लेटें धोने को कहा था, उस साले ने छेद ही कर दिया। अबे पागल है क्या? तेरी होने वाली बीवी सिमरन को गंदी निगाह से देखता है वो। बाबूजी क्या तो ये बात झूठी है, वो मेरा दोस्त है, मेरी जान है बाबूजी, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये पता था तुझे यकीन नहीं आएगा, ये ले देख फोटो। कहाँ है बाबूजी राज? राज को मैंने घर से धक्के मार के निकाल दिया। बाबूजी मुझे एक कॉल नहीं कर सकते थे क्या? 2.5 किलो के हाथ को इस्तेमाल करने का बहुत टॉप का मौका था बाबूजी, दिल तो यह चाहता है इस 2.5 किलो के हाथ से आपकी जब्बाली तोड़ दूं बाबूजी। बाबूजी सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तुम देखना बाबूजी राज को लोंडियाबाजी के केस में कितना लंबा खिंचवाता हूं बाबूजी। तारीखें भी ना इलाहाबाद से डलवाऊंगा बाबूजी, 2500 रुपए किराया लगता है बाबूजी। और थोड़ी देर में तुम्हारे पास एक खबर आने वाली है बाबूजी, रेलवे स्टेशन के सारे नल उखड़े पड़े हैं, सारी सवारी खामोखा पीट दूंगा और बाबूजी ट्रेन पलट दूंगा, तुम देखना बहुत बड़ा नुकसान कर दूंगा बाबूजी, बहुत जलाल में हूं मैं। ओए राज ये क्या कर दिया तूने? मतलब मेरी बीवी की लेने चला था, तुझे ऐसा नहीं सोचा था, भरोसा किया था मैंने तुझ पे भरोसा। ये 2.5 किलो का हाथ आज मैं खूब यूज करूंगा। ओए क्यों मार रहे हो मेरे लड़के को, मैं लेके जा रहा हूँ। चल चल और अबो मारो साले। कुलजीत सुधर नहीं रहा है, इतना पिटने के बाद भी निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, यहाँ मेरे प्यार को कोई समझने वाला नहीं है। बाबूजी मुझे जाने दो, बाबूजी बाबूजी प्लीज बाबूजी मुझे जाने दो, बाबूजी बाबूजी मैं राज के बिना नहीं रह सकती, बाबूजी बाबूजी प्लीज। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, उस लड़की से ज्यादा प्यार तुझे कोई नहीं कर सकता। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ तो छोड़ो जी, अभी तो अपनी जिंदगी जीऊंगी। जा बाबूजी एक बात समझ में नहीं आई, राज ने तो तुम्हारे भी रैपट मार दिया था, फिर क्यों? वही तो कुलजीत, जो लड़का अपने वाइफ के चक्कर में अपने ससुर को पीट सकता है तो वो तो दुनिया की माई छोड़ देगा भाई।
हेलो राज। हेलो बाबूजी। बेटा तू सिमरन के लिए क्या कर सकता है? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सिमरन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो बेटे तू एक काम कर, तू दहेज उल्टा मुझे दे। 7 लाख रुपए कैश और इलेक्ट्रॉनिक सामान और बर्तन भांडे 3 दिन के अंदर अंदर मेरे घर आ जाने चाहिए। तेरी बहन का, अब वो बुड्ढे इस अगले स्टेशन से ले जाइए उठा के, तेरे दिमाग के हाथ ना रहे। धक। हेलो कुलजीत। हाँ हेलो। ये रात तो बड़ा हराम का 14 निकला, धोखा दे गया। वैसे एक बात सच कहूँ? क्या? प्यार तो मैं तुझसे ही करी करी। अब तू ऐसा कर, अपनी ब्लैक वाली बुलेट लेके अगले वाले स्टेशन पे आ जा, मैं वहीं बैठी हूँ। आर्या हट, तेरी बाण की जाट बलबड़ा। खिलौना समझाएगा कुलजीत को? जब चाह यूज किया, जब चाह फेंक दिया। बात सुन, काजल के पिताजी ने हाँ बोल दिया और मैं काजल से ही प्यार करता हूँ। बाय 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 सिमरन, तू जा अपने राज के पास। हट। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और गाइस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर करो और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में बताओ, आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो। और प्रोमो को डाउनलोड करो, एक बार जरूर ट्राई करना। और हम सभी भाइयों को इंस्टा पे फॉलो कर लो। और गाइस न्यू वीडियो बहुत ही ज्यादा जल्दी आने वाली है और बहुत तकड़ी आने वाली है।